नमस्कार, मैं नागेश गिरे फिर से स्वागत करता हूँ आपका स्टार अपेक्स न्यूज में। और पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की एक धूम मची है, और अभी स्टार अपेक्स ने जो एक दावा किया था कि भाजपा के कांग्रेस के विधायक बीजेपी में जाने वाले हैं, उसी तरह बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस ने एक नए चेहरे को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया है, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अमर वराड़े जी, जिन्होंने अभी नामांकन किया है। अमर जी, आपका स्वागत है स्टार अपेक्स न्यूज़ में। और अभी मतलब जो ये पूरी घटनाक्रम रहा, इसमें आपका एक स्टैंड और मतलब आप क्या सोचते हो एक विधानसभा चुनाव के बारे में? जहाँ तक गोंदिया विधानसभा का चुनाव है, मैं सबसे पहले हमारे पार्टी के आदरणीय सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, प्रदेश के अध्यक्ष बाला साहेब थोरात और तमाम उन नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने गोंदिया में एक मैसेज संपूर्ण महाराष्ट्र में दिया है कि कांग्रेस जो है वो हमेशा सर्वसामान्य के साथ में रहती है। और उसी का परिणाम है कि एक सर्वसामान्य परिवार से आने वाले मेरे समान छोटे व्यक्ति को, साधारण कार्यकर्ता को, कांग्रेस ने मुझ पर विश्वास जताया, वो जनता के भरोसे जताया। गोंदिया विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो गोंदिया विधानसभा में पिछले कई वर्षों से कांग्रेस के विधायक रहे हैं, लेकिन वे अंतिम समय तक के पूरी पार्टी को और कांग्रेस पर भरोसा करने वाले उन निष्ठावान तमाम साधारण कार्यकर्ताओं को धोखा देकर एन फॉर्म भरने के एक दो तीन दिन पहले तमाम हाईकमांड से टच में थे कि मैं पार्टी नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं कांग्रेस से लड़ने वाला हूं। उसके कारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तैयारी में उन्होंने कुछ आगे नहीं बढ़े, उन पर भरोसा ही किया, लेकिन एन टाइम पर छोड़ के चले गए। जहां तक गोंदिया विधानसभा की बात है तो गोंदिया विधानसभा में उनका जो दृष्टिकोण रहा विकास का, वो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होता है कभी भी विकास के लिए, लेकिन खाली इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने से कोई सर्वसाधारण सामान्य आदमियों का विकास नहीं होता, व्यक्तियों का। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास इसलिए उन्होंने किया कि उनको कुछ विशेष उनके चाहने वालों को लाभ देने की कोशिश उन्होंने की इस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से। आपको मैं बताना चाहूँगा कि गोंदिया विधानसभा में ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि जो साल में दो बार बनाए गए, वही रास्ता बाद में म्यूनसिपालिटी से बना, वही रास्ता बाद में PWD के इसमें लिया गया। इस तरीके का विकास, दवाखाने आए, दवाखाने की बिल्डिंग बनी, लेकिन दवाखाने की उस बिल्डिंग में लगी हुई सिटी स्कैन मशीन जिस दिन आई उसी दिन से बंद है। मेडिकल कॉलेज खुला, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद में आज हालत बदतर से बदतर है। जब मेडिकल कॉलेज नहीं था तो उस ग्रामीण रुग्णालय में आम आदमी की ट्रीटमेंट अच्छी होती थी, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ग्रामीण रुग्णालय के दो डिपार्टमेंट के झगड़े में सामान्य पेशेंट को दर-दर भटकना पड़ रहा है। साफ सफाई की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है, शिक्षा के ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है, उद्योग धंधों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ऐसा है गोंदिया का कि आप गोंदिया में देखेंगे तो नवंबर के बाद से लेके तो जून तक के लोग पूरे शहर और पूरा जिला छोड़ के चले जाते हैं, कामों के लिए प्लान करते हैं, मांगने वालों को हाथ को काम नहीं है। उसका कारण है कि जो गोंदिया का जो आर्थिक व्यवस्था है वो आती है हमेशा किसानों के ऊपर डिपेंड है। किसान का जो एकमात्र हमारे गोंदिया में धान उपज होती है, वो धान को सही उसका मूल्य नहीं मिलता, क्योंकि गोंदिया में जो पब्लिक लीडर है वो हमेशा जब भी धान की उपज निकलती है तो वो सामान्य किसानों के तरफ रहने के बजाय वो धान के व्यापारियों का हित सोचते हैं। और किसान बेचारा अपना धान आधे पौने रेट में बेचने के बाद जब वो ट्रेडिंग किया हुआ जो उनका ट्रेडर रहता है वो धान जब शासकीय गोदामों में भर के उसके पैसे कमाता है, और इसमें बहुत बड़ा रैकेट है गोंदिया में। और मेरे को ये सर्वसामान्य किसानों की बात को सभागृह में उठा के ये रैकेट को ख़त्म करने के लिए मैं गोंदिया से विधानसभा लड़ने की इच्छा रखता हूँ। अच्छा, पूरे देश में मतलब एक गोंदिया लोकसभा आपकी भंडारा गोंदिया बोल के मानी जाती थी, और यहाँ का मतलब एक पूरे देश ने मतलब गोंदिया के ऊपर ज़्यादा फोर्स दिया है। पूरे देश में कांग्रेस एक साइड लड़ी है और बीजेपी एक साइड लड़ी है, लेकिन आपके यहाँ पे पुराने जो विधायक थे उनके जो कार्यकाल में गठबंधन हुआ था, उसके बारे में आप क्या आपकी क्या राय है? आपने एक अच्छा सवाल मुझसे किया। मैं गोंदिया की विधानसभा की तमाम जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे को अगर संधि मिली, मैं विधानसभा में गया, सबसे पहले मैं मेरे पार्टी के आदेश के बाद यहाँ का जो जिला परिषद में भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन है सबसे पहले उसको तोड़ूँगा। और मैं गोंदिया की जनता को आश्वस्त कराता हूँ कि मेरे रहते भरे में चाहे चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एज अ लीडर गोंदिया विधानसभा का कभी भी भविष्य में नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद में इसके बाद
गोंदिया में भाजपा गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि भाजपा गठबंधन करना ये पार्टी की मजबूरी नहीं थी, पार्टी को गुमराह करके ये स्वार्थी नेताओं द्वारा किया गया कृत्य था। वो पार्टी को अंधेरे में रख के, कार्यकर्ताओं को अंधेरे में रख के, क्योंकि हम समझ नहीं पाए कि वो इसलिए उन्होंने किया था, वो इसलिए पहल किया था कि उनको कल के चल के अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी के तरफ में अपने आप को झुकाव देना था। और तमाम उन स्वार्थी नेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में वो आज पार्टी छोड़ के चले गए। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खेद की बात है। एक तरफ आपको बताना चाहूँगा कि गोंदिया जिले की जनता ने हमेशा कांग्रेस पर भरोसा जताया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जब 99 में गोंदिया में आए थे, तब राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस अलग हुई थी, यहाँ से कोई उम्मीदवार लड़ने के लिए इच्छुक नहीं था। उस समय डॉक्टर जिचकार के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए जनता ने बाहर का व्यक्ति होने के बावजूद भी भरपूर मतदान किया और मात्र 2700 वोट से चुनाव हारे। सोनिया गांधी जी को उन्होंने बताया डॉक्टर जिचकार ने कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कहीं ईमानदार जनता अगर कांग्रेस के प्रति निष्ठा व्यक्त करने वाली होगी तो वो सिर्फ गोंदिया जिले में और भंडारा जिले में है। और ऐसे निष्ठावान जनता का भरोसा मैं कभी तोड़ूंगा नहीं, क्योंकि अगर कोई जनता कांग्रेस पर भरोसा करती है और वो कांग्रेस वाले नेता अगर बाद में बीजेपी से गठबंधन कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं हम सारो सामान्य जनता का भरोसा तोड़ रहे हैं, और आज के बाद में गोंदिया के इतिहास में कभी नहीं होगा। पूरे इस हलचल में आपको सबसे आखिरी में दावेदारी मिली, मतलब एक समय में कि आपका क्या है ये, मतलब आप ये चुनाव किस मुद्दों पे लड़ोगे और किस तरह से लड़ोगे? पार्टी ने आखिरी में निर्णय क्यों लिया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंत में मेरे नाम पे विचार किया तो मुझे ऐसा लगा कि पार्टी ने यह निर्णय बहुत सोच समझ के लिया। और गोंदिया एक हाई प्रोफाइल सीट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे सम्माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल जो कि हमारे कांग्रेस राष्ट्रवादी के गठबंधन के नेता इस जिले के हैं, वैसे ही हमारे गोंदिया भंडारा जिले के किसान नेता जो कि ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी यहाँ पे है, और यहाँ के विधायक ने इस परिस्थिति में जिस परिस्थिति में पार्टी को छोड़ा उसके कारण ये हाई प्रोफाइल सीट का निर्णय पार्टी ने लिया और मेरे नाम पे जो उन्होंने मोहर लगाई, विश्वास जताया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा फिर से एक बार। और मैं बताना चाहूँगा कि गोंदिया के ज़िले में जो बेरोजगारों की समस्या है वो सबसे पहले मैं उस डायरेक्शन में अपना काम करना चाहूँगा। किसानों की समस्या के बारे में काम करना चाहूँगा। आज गोंदिया जिले के छात्रों को अच्छी शिक्षा की सुविधा, कॉलेजेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन वहाँ पे स्टाफ नहीं है। शासकीय पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, स्टाफ नहीं है, तो हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग और शासकीय मेडिकल कॉलेज को क्या करने वाले? अगर स्टाफ नहीं है तो स्टाफ अगर लाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पढ़ने वाले बच्चे उनका कैलिबर अच्छा होगा और वो जाके जनता की सेवा कर पाएंगे। और मेरा ध्यान जो रहेगा वो सामान्य परिवार की आर्थिक उन्नति करना, हर उस तबके का व्यक्ति चाहे वो किसी भी समाज से हो उसकी आर्थिक उन्नति करना सबसे पहला लक्ष्य मेरा इस विधानसभा के चुनाव के माध्यम से होगा। हमारे साथ थे अमर वराड़े जी, जिन्हें गोंदिया की तरफ से अधिकृत उम्मीदवारी मिली कांग्रेस की। आपको हमारे तरफ से शुभकामनाएं और आप देखते रहिए स्टार अफेयर्स न्यूज़। धन्यवाद।